हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने ट्रायंगल के क्वेश्चंस। तो कुछ वीडियो में हम क्वेश्चंस खत्म कर चुके हैं, बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके बेस पर हम कंप्लीट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन की वीडियो हम बना चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में अपने नए टाइप के क्वेश्चन चेक करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आज का नए टाइप आपके सामने बोला कि ट्रायंगल एबीसी है, डी एक पॉइंट है बी सी पर, ए बी इतना है, ए सी इतना है, बी डी इतना है। चलो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। तो आप तो ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, और डी पॉइंट है बी सी पर, ठीक है, डी पॉइंट है बी सी पर, ये डी पॉइंट है, राइट। ए बी 7 सेंटीमीटर है, ए सी 9 सेंटीमीटर है, और आपका जो बी डी कितना है, 4 है, बी डी कितना है, 4 है, ठीक है। तो सी डी की मैक्सिमम लेंथ बतानी, सी डी की मैक्सिमम लेंथ हम एक्स मान लेते हैं, राइट। बी सी डी की हम मैक्सिमम लेंथ कितनी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको पता होगा कि क्या कोई भी आपके पास ये नहीं दे रखा है कि कौन सा ट्रायंगल आपको दे रखा है। तो हम कोई भी ट्रायंगल मान के हम क्या मानते हैं, सबसे छोटा ट्रायंगल जो स्केलेन होता है, जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं, उसको मान लेते हैं। तो स्केलेन ट्रायंगल का आपको पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि सी स्क्वायर से छोटा बड़ा होगा, ठीक है। तो सेम कंडीशन रखेंगे कि ए प्लस बी जो कि थर्ड साइड होगी, थर्ड साइड से बड़ा होगा, राइट। तो और ये कंडीशन क्या कहेगी, अगर ये थर्ड साइड आपकी क्या होगी, इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा होगी। बस आपको ये चीज लिखनी है, ठीक है। अगर ये चीज है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ए प्लस बी, इसको मैं ए स्मॉल ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, और पूरे को मैं क्या मानूंगा, सी मान लूंगा, ठीक है। तो पहले हम सी की लेंथ निकाल ले, सी की मैक्सिमम, मैक्सिमम बोला कि अधिकतम बोला है, यहाँ पर मैक्सिमम देख सकते हो आप। तो ए प्लस बी 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 जो है वो सी से बड़ा होगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी की जो लेंथ आने वाली है 2 और 16 के बीच में आएगी, तो 3 से स्टार्ट कर दो, यहाँ 3 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16 नहीं आएगी, ठीक है भाई। ये तीन साइड आपको इस ट्रायंगल में आ सकती है, ठीक है। मैक्सिमम बोला है तो हमें मैक्सिमम का काम करना है, तो मैक्सिमम कितनी साइड है, यहाँ पर 15। अगर मैं सी की वैल्यू 15 रखूं, तो 4 तो पहले ऐड हो चुका है, 4 प्लस x की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 4 प्लस x तो 15 हो गई, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी उठा लेंगे, x की वैल्यू आपको पता होगा, 4 को माइनस कर दे तो 11 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है, 11 आपका राइट आंसर दे देगा, ओके। और एक चीज और आप समझो, एक चीज और आप समझो, क्या कि इसका 3 और 4 तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 4 तो मैक्सिमम लेंथ इन्होंने दे रखी है, मिनिमम लेंथ, ठीक है, और बाकी जितनी लेंथ ही आप दे सकते हो, तो उससे आगे काउंटिंग करना, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला कि एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, ए बी सी है, एंगल बी एक ऑब्ट्यूज एंगल है, और ए बी 7 है, ए बी 7 सेंटीमीटर है, बी सी 13 है, तो फाइंड द मिनिमम पॉसिबल, मिनिमम बतानी है आपकी, पॉसिबल इंटीजर लेंथ ऑफ साइड ए सी, ओके। तो पहले हम ट्रेंगल बना लेते हैं,
तो ये एक ट्रायंगल है अपने पास, जिसके पॉइंट क्या है आपके, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ठीक है। और बी पर क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट। और साइड क्या क्या है, ए बी जो है वो 7 है, ए बी जो है 7 है, बी सी जो है वो 13 है। तो मिनिमम लेंथ बतानी, मिनिमम लेंथ बतानी, ये हम थर्ड साइड मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। सी की जगह आप एक्स मान लो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कन्फ्यूज रहोगे आप इसमें, ठीक है। इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। तो बस ऑब्ट्यूज का क्या होगा, ऑब्ट्यूज का आपको पता होगा कि क्या कंडीशन होने वाली है। तो ऑब्ट्यूज में भी सेम कंडीशन रहेगी कि आपको जो इन दोनों साइडों का योग, इन दोनों साइडों का योग, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, और जो थर्ड साइड है वो एक्स है अपनी, और इन दोनों का डिफरेंस, बस आपको यही सॉल्व करना है। और क्या क्या लेना, न्यूनतम संभव पूर्णांक मान क्या होगा, ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं। ये आपका 20 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 7 और 13 कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू जो है वो 6 और 20 के बीच में होनी चाहिए, तो वो कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है आप चेक करोगे। एक्स की अगर मैं 6 से लेकर 20 तक काउंट करूंगा तो 7 हो सकती है, ओके, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये एक्स की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो आप एक चीज समझो कि जो ये एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर ये एंगल दिया हुआ है ऑब्ट्यूज, आपको पता होगा कि जिस साइड बड़ा एंगल होगा, जिस साइड बड़ा एंगल होगा, उससे जो अपोजिट साइड होगी वो भी क्या होगी, दोनों साइडों से बड़ी होगी, ठीक है, दोनों साइड से बड़ी होगी। तो यहाँ पर 13 साइड जो है वो बड़ी है, तो इसका मतलब 13 से बड़ी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब 7 से लेकर 13 तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गई, ये सारी साइडें क्या होगी, रिजेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि एंगल की वजह से। अब देखो, अब दूसरी कंडीशन यहाँ पर मैं पुट करने वाला हूँ, वो क्या है, क्या आपको पता है कि ऑब्ट्यूज का क्या मेथड होता है, कि इन दोनों का स्क्वायर जो होगा वो तीसरी साइड के स्क्वायर से छोटा होगा, राइट, छोटा होगा। तो स्क्वायर निकाल लो पहले आप, कितना स्क्वायर आएगा इसका, 7 का 49 आ जाएगा और 13 का 169 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना टोटल हो गया, 218 हो गया शायद, हाँ 218 हो गया। 218 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, जो एक्स साइड हमने माननी है वो 218 के स्क्वायर से बड़ी होनी चाहिए। अब आपको पता होगा कि ये कितना स्क्वायर है, दो ये कितना का स्क्वायर बना है, इसका स्क्वायर करोगे तो 196 बनाएगा, ये भी रिजेक्ट, ठीक है। 15 का स्क्वायर करोगे 225, ये आपका बड़ा चला गया, ठीक है। तो यहां तक तो सारे के सारे नंबर क्या हो गए, अपने रिजेक्ट हो गए, ठीक है। तो बोला है कि न्यूनतम पूर्णांक पूछा है, न्यूनतम क्या होगा, 15, न्यूनतम आपका 15 आ गया, ठीक है। तो एक्स की कम से कम वैल्यू हम क्या मानेंगे, 15 मानेंगे, कम से कम वैल्यू, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था मेरे से, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पूछा है, यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई देगा तो फिर भी मैं इसको एक बार लिख देता हूँ भाई। कोई नहीं, आप ऐसे ही सॉल्व कर लो, नहीं तो खराब हो जाएगी, राइट। बोला कि द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद साइड्स ऑफ इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू 13 है, हाउ मेनी सच ट्रायंगल आर पॉसिबल। तो ऐसे ट्रायंगल कितनी पॉसिबल हो सकती हैं, ये आपका एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। तो देखो समझो, पहले आराम से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगल का जिक्र नहीं, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, सिंपल सी ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, जिसकी तीन साइड अलग अलग होंगी, जिसकी तीनों साइड क्या होंगी, अलग अलग होंगी, ए बी और सी, ठीक है।
और यहाँ पर चीज दे रखी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइडों का सम होता है। तो यहाँ पर हम मना लेते हैं कि तीनों साइडों का सम कितना है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13 है, राइट। ए प्लस बी प्लस सी 13 है। तो अगर हम 13 वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो दो का सम करो पहले, तो दो का सम करो, ठीक है। दो का सम करेंगे तो तीसरी साइड से क्या होगा, वो छोटा होगा, राइट। और तीसरी साइड जो होगी वो बड़ी होगी किससे, इन दोनों के डिफरेंस से, राइट। इतना समझ आया आपको। तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है कि इन तीनों की साइडों का सम जो है वो 13 आ जाए और हमारी ट्रायंगल भी बन जाए, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लूं, ए माइनस बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए माइनस बी की वैल्यू ही पुट करते हैं। तो ए माइनस बी की वैल्यू पुट करोगे, ए माइनस बी को अगर मैं 0 मान लूंगा, अगर ए माइनस बी को मैं क्या मान लूं, 0 मान लूं, ठीक है, और वो थर्ड साइड क्या होगी, 0 से बड़ी होगी और इन दोनों के सम से बड़ी होगी, ठीक है। इन दोनों का सम कितना हो सकता है, इन दोनों का सम मुझे नहीं पता क्या होगा। तो इन दोनों का सम जो भी होगा वो सम क्या होगा, ए और बी की वैल्यू सेम रहेगी, ए और बी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। और सेम आपको पता है कहाँ कहाँ हो सकती है, वन वन पर हो सकती है, ठीक है, राइट। कहाँ कहाँ हो सकती है, वन वन भी हो सकती है, टू टू भी, थ्री थ्री भी, फोर फोर भी, फाइव फाइव भी, ठीक है। तो ये जब सिचुएशन बन जाए तो हम क्या करते हैं कि हमें 13 13 ही सम चाहिए, ठीक है। तो 13 सम चाहिए, तो आप क्या करोगे, हम जो है वैल्यू मान लेते हैं कि अगर आप इनका वन वन वैल्यू लो, वन वन, ठीक है, और कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा। अगर वन वन वैल्यू लो तो दो साइड तो आपकी वन आ गई, और तीसरी साइड जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है, सॉरी 11 आ जाएगी। और दूसरी क्या मान लू, टू टू और 8 मान लू, थ्री थ्री और ये आपका कितना हो जाएगा, 7, और फोर फोर आपका कितना हो जाएगा, 5, 5 5। तो ऐसे चलते चलते मान लेता हूँ, पहले मैं आपको थोड़े रिजेक्ट, यहाँ से चांसेस रिजेक्ट होने के चांसेस बताता हूँ मैं आपको, क्या क्या रिजेक्ट करना है। आपको पता होगा क्या, आपको पता होगा कि दो साइडों का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। आप यहाँ पर चेक करो, एक और एक दो, दो क्या 11 से बड़ा है, नहीं है, तो रिजेक्ट हो गई। दो दो चार, क्या 8 से बड़ी है, नहीं है, सॉरी, ये 4 और कितना आ जाएगा, 9 आएगा, ठीक है। तीन तीन छह, 7 से बड़ी नहीं है। तो ये तीन ट्रायंगल तो एज इट इज रिजेक्ट हो गए, ठीक है। तो इन तीन ट्रायंगल को मैं एक तरह से हटा देता हूँ यहाँ से। तो जो अपनी ट्रायंगल आएगी वो क्या आएगी, देखो आप थोड़ा सम पर भी ध्यान देना। तो यहाँ से जो ट्रायंगल बनने वाली है वो 4 4 5 की बनेगी। आप चाहे किन्हीं भी दो साइडों का सम कर लो तो वो तीसरी साइड से बड़ी होगी। आपको किन्हीं भी दो साइडों का सम करना है, ठीक है। आप वहां पर आप 11 और 1 भी कर सकते थे जो कि 1 से बड़ी है, ठीक है। आप 1 और 1 प्लस करोगे, क्या 11 से बड़ा होगा, नहीं होगा, तो इस तरह से वो रिजेक्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर आप 4 5 को प्लस करो, 4 से बड़ी, 4 4 को प्लस करो तो वो भी 5 से बड़ी है, ठीक है। सेकंड ट्रायंगल हम चेक करें तो 5 5 और 3, आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। 5 और 3 का अगर मैं मिनिमम वैल्यू को सम करो, मिनिमम वैल्यू को सम करेंगे, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 जो है वो 5 से बड़ी है, ठीक है। सेम कंडीशन, हमें ये कंडीशन फॉलो करनी है, ठीक है। 6 6 और 1, तो आप चेक करोगे 6 और 1 7, 6 और 1 7, किन्हीं भी दो साइडों का सम तीसरी साइड से ऑटोमेटिक बड़ा होना चाहिए। तो इस कंडीशन से आपने कितनी ट्रायंगल आ गई, 1 2 3 ट्रायंगल आ गई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं जो करने वाला हूं वो ए माइनस बी को क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा। आप चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो, ए माइनस बी को 1 पुट करूंगा और जो कि सी के बराबर होगी। तो यहां से ए और बी की कुछ ना कुछ अलग वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो इसी को बेस पर चेक करते हैं, आप 1 वैल्यू पुट कर रहे, तो 1 और 2 का डिफरेंस 1 आया, 1 2 का डिफरेंस 1 आया, तो वो तीसरी साइड हम 10 मानेंगे, ठीक है। 1 2 और 10, क्या दोनों साइडों का सम तीसरी साइड से बड़ा है, नहीं है, तो ऐसी कौन सी साइड होगी,
आप सोचो कि हम सी की कौन से ए और बी की क्या क्या वैल्यू मान सकते हैं। ए और बी की हम 4 5 और 4, 4 5 4 तो ये ऑटोमेटिक आ गई, ठीक है। 3 4 6, 3 4 6, तो आई थिंक 3 4 और 6 ये फिट हो गए। 6 और 3 9, और जो कि 4 से बड़ी है, 3 और 4 7 6 की बड़ी, ठीक है भाई। और क्या ले सकते हैं, 4 5 जिसका डिफरेंस 1 है, और 4 5 जिसका डिफरेंस 1 है, और क्या हो जाएगा, इसकी थर्ड साइड कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो जो कि मैंने लिख चुका हूं मैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल तो आपकी बनेगी नहीं, ये ऑलरेडी लिख चुका हूं बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रायंगल हम चेक करेंगे, तो 5 6 जिसका सम 11 आएगा, और तीसरी साइड जो होगी वो 2 हो जाएगी, ठीक है भाई। 5 6 और 2, 2 और 5 सम 7 है, जो कि 6 से बड़ा है, ठीक है। और कोई ट्रायंगल बनेगी ऐसा, 6 7 नहीं बन रही, आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं बन रही। अब मैं ए माइनस बी का वैल्यू 2 मान लेता हूँ, जो कि सी से बड़ा होगा, और ए और बी की कोई अलग अलग वैल्यू धरे रखेंगे, तो सोचो कि क्या बन सकता आप। मेरे ख्याल से आई थिंक कुछ नहीं बनने वाला। 4 6 तो 4 और 6 2 और 3 ये ट्रेंगल हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से और ट्रेंगल नहीं बनेगी। तो यहाँ पर आप चेक करोगे कितनी कितनी ट्रेंगल बन रही है, यहाँ पर आप चेक करोगे, सॉरी भाई, फर्स्ट वाली कंडीशन में आपकी 2 ट्रेंगल, सॉरी 3 ट्रेंगल बन रही है, और सेकंड वाली में 2 ट्रेंगल बन रही है, तो 3 और 2 कितनी हो जाएगी, 5 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, जिस एंगल बी पर ऑब्ट्यूज है, ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 17 है, तो मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर साइड ऑफ ए सी बतानी है। तो उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम साइड बताने आपकी बार, तो उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, फिर मैं आपका करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल एक बार बना लेते हैं अपना, तो ये अपना ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। तो यहाँ ए बी पर ऑब्ट्यूज है, सी पर बड़ा है, तो ये बड़ा एंगल है, तो इसका मतलब ये बड़ी टर्म होने वाली है एक्स, ठीक है। और दूसरी साइड क्या दे रखी है, ए बी 5 दे रखी है, और बी सी कितनी दे रही है, 17 दे रखी है। तो आप समझ तो गए होगे कि इस किस तरह से सोल्व करना है। ए प्लस बी जो कि एक्स से बड़ा होगा, और एक्स जो बड़ा होगा वो किस से बड़ा होगा, ए माइनस बी से, बस। और कंडीशन इसमें ये रखना, कंडीशन इसमें ये रखना क्या, कि आप जो है सुकेर याद रखना, कि ए सुकेर प्लस बी सुकेर जो कि थर्ड साइड से बड़ा हो, थर्ड साइड से छोटा होगा, थर्ड साइड के सुकेर से क्या होगा, छोटा होगा, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो बस हमें इन दोनों को फॉलो करना है, और हमें ज्यादा फॉलो नहीं करना किसी को। तो सोल्व करते हैं, तो बस ए और प्लस ये आपकी ए साइड है, ये आपकी बी साइड हो जाएगी, तो 5 और 17 कितना हो जाएगा, 22, एक्स से बड़ा होगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 से लेकर 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, ये साइडें आई हैं। एसी की मैक्सिमम लेंथ हमें बतानी है। देखो अगर मैक्सिमम ही निकालोगे, अगर मैक्सिमम निकालोगे तो मैक्सिमम अपना कितना दे रखा है, 21। देख टाइम खराब मत करना, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस में आपको क्या याद रखना है, यहां से ऐसी कुछ कंडीशन नहीं दे, मैक्सिमम दे रखे तो हम मिनिमम से लेकर मैक्सिमम ही जाएंगे, और मैक्सिमम सबसे ज्यादा 21 हमें यहाँ दिखाई दे रही है, राइट। आपको कंडीशन क्या फिल फुल करनी है, इसमें फिल ये कंडीशन आपको करनी है, ये वाली कंडीशन आपको फिल करनी है, ठीक है। ए का स्क्वायर कर लो 25, प्लस बी का स्क्वायर 17, 289, ठीक है, जो कि एक्स से छोटा होगा, एक्स का स्क्वायर से, सॉरी। और ये आपका कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा भाई, 9 और 5 4, 8 और 2 6, और 1 7 2 और 274 हो जाएगा। ठीक है, अब 274 आप देखोगे कि 15 का सुकेर 225 होता है, 15 का सुकेर 225 होता है, 16 का सुकेर आपको पता होगा कि 256 होता है, ये भी छोटा है, 17 का सुकेर 289 होता है। तो पहली कंडीशन तो आप ये चेक कर लो कि एक्स जो होगा वो इन सभी से बड़ा होने वाला है। एक्स जो है वो, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल का सबसे बड़ा एंगल जो है वो अपोजिट साइड भी बड़ी होगी, तो 17 तक तो हम वैसे ही रिजेक्ट कर देते हैं, इस मामले 17 तक हम वैसे ही रिजेक्ट कर देते हैं। 18 का सुकेयर लिख लो, 324 होगा, 19 का 361 होगा, 20 का कितना होगा, 400 होगा, 21 का 441 होगा। ठीक है, ये तीनों पॉसिबल वैल्यूज हैं जो आ सकते हैं, लेकिन इसने जो पूछा है अधिकतम, अधिकतम कितनी दे रहा है, अधिकतम पे कौन है, 21 है, अधिकतम पर कौन है, 21 है, तो 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि पेरीमीटर, देखो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल एसएससी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर, वहां पर हमने 13 पढ़ा था, यहाँ पर 15 पढ़ा है। ठीक है, तो आप पीछे क्वेश्चन एक बार रिवीजन करके चेक कर लेना, और मैं आपको यहाँ पर ट्रायंगल बना देता हूँ, कितनी ट्रायंगल आने वाली है आपकी। कंडीशन क्या लगाएंगे, ए प्लस बी जो कि सी से बड़ा होगा, और ए माइनस बी। ठीक है, हम वही लेते हैं कि यहाँ पर हमको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो 15 दे रखी है। अगर ए माइनस बी अगर मैं 0 ले लूँ, तो सी क्या, वो सी की वैल्यू क्या हो सकती है, ए और बी की यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हमें पता नहीं कि ए और बी की वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पर, तो करते हैं इसको सोल्व। तो 0 लेते हैं, तो आपका क्या क्या कंडीशन फिलफिल होने वाली, यहाँ पर सी की वैल्यू जो होगी, वैल्यू मान लो आप 4 4 8, 8 और 7 15। ठीक है, तो एक कंडीशन, तो एक ट्रायंगल तो आपके पास आ गया 4 4 और 7। ठीक है, 3 3 6 6 और 9 15, मतलब 4 से नीचे तो हम ले नहीं सकते, इससे बड़ा ले लो 5 5, 0 हो गया, और इनका सम 10 हो गया, और एक अलग वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, 5 5 5 आपका एक ट्रायंगल भी बना देगा। ठीक है, 1 मिनट, 5 5 10 जो कि तीसरी साइड से। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो मिलेंगे हम 6 6 12, और जो कि 3 हो जाएगा, 6 और 3 9 9। हाँ, कंडीशन फिल हो रही ट्रायंगल की भी, और 7 7 और 1। ठीक है, 7 7 और 1, 7 और 1 8, ये भी आपकी बन रही है, करेक्ट हो रही है, इससे आपकी नहीं बनेगी, 8 8 16, और तीसरी साइड तो गायब हो गई। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या लगाएंगे, ए बी की वैल्यू जो ए माइनस बी है वो 1 पुट कर लेंगे, और साथ में ए और बी की वैल्यू चेक कर ले करेंगे। ठीक है, तो बनाओ क्वेश्चन को, ए और माइनस बी को 1 करना है, तो 4 और 5 लिख लो, 9, और इनका डिफरेंस 1 है, और 9 और 6 हो जाएगा, एक ट्रायंगल तो ये हो गया आपकी। ठीक है, दूसरी ट्रायंगल आपकी क्या हो जाएगी, 4 5 हो गया, 5 6 5 और 6 कितने हो गए, 12, 5 और 6 11, और 4 दूसरी ट्रायंगल ये हो गई। तीसरी ट्रायंगल हम यूज करेंगे 7 और 8, 7 और 8 15, ये ट्रेंगल आपकी नहीं बनने वाली। ठीक है, ये ट्रेंगल आपकी नहीं बनेगी। ठीक है, आगे ट्रेंगल आपकी नहीं बन रही। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, ए माइनस बी का वैल्यू 2 ले लेते हैं, जो कि सी से बड़ा होगा, और ए और बी की कुछ वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू मान लो आपने आप चलाओ, तो 4 और 6 को ले रहा हूं मैं, 4 और 6 को लूंगा, 4 और 6 की वैल्यू, डिफरेंस तो 2 आएगा, डिफरेंस 2 आएगा, और सम 10 आएगा, सम जो है वो तीसरी साइड से बड़ा हो जाएगा, तीसरी साइड 5 आ जाएगी। और चेक करो, और चेक करो, 5 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12, 5 और 7 डिफरेंस 2 है। ठीक है भाई, और साथ में क्या ले, 3। ठीक है, 5 और 3 8,
पांच और तीन कितनी होगी, आठ होगी, जो कि सात से, और इनका सम कितना हो जाएगा, दस हो जाएगा, ठीक है भाई। ओके, पांच और तीन आठ, और छः और छः और आठ, छः और आठ, दो डिफरेंस आ गया, सम कितना हो गया, 14 और 1, 6 और 1 7। ये ट्रायंगल को फिलफुल नहीं कर रहा क्योंकि दो साइड का सम जो है तीसरे साइड से छोटा दे रहा है। और चेक करें, आई थिंक और चेक नहीं होगा, तीन पे सम चेक करके देख सकते हैं। तो चार से लेकर चार और सात, चार और सात कितना हो गया, 11 और 4 हो गया भाई, ये तो ज्यादा ही ट्रायंगल आ गई। कुछ लिख, चार चार सात ये लिख दिया हमने भाई, फर्स्ट ही लिख दिया, और मेरे ख्याल से सात ट्रेंगल बनने चाहिए थे। हाँ, ये ट्रेंगल हमने दोबारा लिख दी, ये वाली चेक करो आप, ये ट्रेंगल हमने दोबारा लिख दी, तो इसको भी कट करो। तो ये आपके कितने ट्रेंगल बनेगी, तो चार तो ऊपर बनेगी, चार तो यहाँ पर बन रही है राइट, और दो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। कितने हो गए, चार और दो छः और एक सात, सात ट्रेंगल आपकी यहाँ पर बन रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर सॉल्व करेंगे अपने आगे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तीन चार क्वेश्चन कराए हैं, बार बार इन्हीं पे प्रैक्टिस करें। देखो ये क्वेश्चन तो आपका सीजीएल 2022 में पूछा जा चुका है, सेम टाइप का, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों पर बेसिक सा ध्यान दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अपने नए क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।